हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरु जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल नंबर 10। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दी गई संख्या को हमें गुणा करना है, तो 0.2, 0.3 और 0.7। देखो, एक अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 10, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 10, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 10। अब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 42। नीचे 3 0, तो ये 3 0। अब 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाने हैं तो 0.042, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट दे दिए। देखो, 2/3 × 120 माइनस 1/3 × 120। देखो, 120 दोनों तरफ है, बीच में माइनस का निशान है, तो कॉमन ले लेंगे तो 120 को बाहर ले लेंगे। तो यहां पर बचा एक, एक को 2/3 से गुणा करेंगे तो 2/3 माइनस, यहां बचा एक, एक को 1/3 से गुणा करेंगे तो 1/3 आएगा। अब 120 ब्रैकेट, अब देखो हर समान है, हर समान है तो इसका लघुत्तम 3 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 120 को 1/3 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 और ये कितनी बार, 4 बार, ये 0, तो कितना आया, 40। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखो, 0.5 × 0.5 माइनस 0.3 × 0.3, इन्हें हमें गुणा करना है। देखो, एक अंक छोड़ करके पॉइंट, ये भी एक अंक छोड़ करके पॉइंट, ये भी एक अंक छोड़ के पॉइंट और ये भी एक अंक छोड़ के पॉइंट। ठीक है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और ये 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, माइनस 3 3 9 और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखो, हर समान है, हर समान है तो लघुत्तम 100 और ऊपर वाली संख्या को जैसा है वैसा कर देंगे तो माइनस है, तो 25 में से 9 घटा देंगे। अब 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, तो 25 में से देखो 5 जाने पे 20 और 20 में से 4 जाएंगे तो 16/100, तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाने हैं तो 0.16, ये ऑप्शन 20 का सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 50 रुपए का 20% कितना होगा। देखो, 50 रुपए का 20% परसेंट का निशान हटाने के लिए 100 का भाग, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 5 दूनी 10 रुपए, तो 50 रुपए का 20% कितना होगा, 10 रुपए। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, 44 × 29 + 56 × 29। देखो, प्लस का निशान है और दोनों तरफ सेम संख्या है तो कॉमन ले लेंगे तो 29 कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक बचा, एक को 44 से गुणा करेंगे तो 44, बीच में प्लस का निशान, 56 को एक से गुणा करेंगे तो 56। अब 29 × 56 में 44 जोड़ेंगे तो 100, तो ये हो जाएंगे 2900। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 4 + 4 + 4 / 2, तो देखो पहले भाग करते हैं तो 2 का भाग देंगे 4 में, तो कितने आएंगे, 2 दूनी 4 और 4 4 8, 8 2 10। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। देखो, 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग, तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, और इन सभी संख्याओं का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 3 15, 15
नौ एक दस, दस और पंद्रह पच्चीस, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, दो सही एक बटावा पांच में क्या जोड़े कि योगफल तीन हो जाए। तो देखो पहले तो इसे साधारण विधि में बदलेंगे, पांच दूनी दस, दस एक ग्यारह, ग्यारह बटावा पांच में क्या जोड़े कि योगफल तीन हो जाए। तो मान लिया कि ग्यारह बटावा पांच में अक्ष जोड़ेंगे तो हमारे पास में योगफल कितना आ जाएगा, तीन। तो ये अक्ष अब बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में, तो माइनस ग्यारह बटावा पांच, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे। अब एक में और पांच में लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, पांच, एक का पांच बार तो पांच, पांच को तीन से गुणा करेंगे तो पंद्रह, और पांच एकम पांच एक बार, एक को ग्यारह से गुणा करेंगे तो ग्यारह। अब पंद्रह में से ग्यारह घटाएंगे तो कितने बचेंगे, चार, चार बटावा पांच, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट, सौ से सौ में कम क्या संख्या घटाए कि वह तीन से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब देखो सौ में से कम क्या घटाए कि तीन से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो पहले तो हम सौ में तीन का भाग देते हैं, तीन तिया नौ, एक बचा, अगला अंक जीरो, तीन तिया नौ, कितना बचा, एक। तो देखो शेषफल कितना बचा हमारे पास में, शेषफल बचा एक, तो कितना घटाएंगे हम, एक घटाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखो पांच माइनस मंजिला ब्रेकेट ये चार, माइनस छोटा ब्रेकेट तीन, माइनस दो ब्रेकेट वन, ये मंजिला। अब देखो सबसे पहले छोटे ब्रेकेट को करते हैं, तो तीन में से दो गया तो कितना बचा, एक, तो पांच माइनस मंजिला चार, माइनस तीन में से दो गया तो कितना बचा, एक। अब चार में से एक गया तो कितना बचा, तीन, पांच में से तीन गए तो दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो एक बटा दो इंटू दो बटावा तीन, दो बटा तीन इंटू तीन बटा चार प्लस तीन बटा चार, जो कटता है पहले वो काट देंगे, तो दो से दो कैंसिल, तीन से तीन कैंसिल, देखो ऊपर क्या बचा, एक, और नीचे क्या बचा, चार प्लस तीन बटावा चार, हर समान है तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, चार, और ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या हम जोड़ देंगे तो तीन प्लस एक हो जाएंगे चार, तो चार में चार का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दस और बीस के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। देखो दस और बीस के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, तो दस और बीस के बीच विषम संख्या ग्यारह, इसके बाद में तेरह, फिर पंद्रह, इसके बाद में सत्रह, इसके बाद में उन्नीस। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएंगे पिचहत्तर, तो ये हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सात गुणा आठ प्लस तिरानवे इंटू आठ। अब देखो प्लस का निशान है बीच में और दोनों तरफ क्या है, आठ है, तो आठ को क्या ले लेंगे, कॉमन, तो अंदर क्या बचा, सात को एक से गुणा करेंगे तो सात, और तिरानवे को एक से गुणा करेंगे तो तिरानवे, तो सात जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, सो, ये गुणा में आठ, तो ये हो जाएगा आठ सौ, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उन्यासी में कम से कम क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो हमें उन्यासी के आसपास का कोई वर्ग संख्या देखनी है, तो देखो इसके हम आठ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, चौसठ, नौ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इक्यासी। अब देखो
79 81 से कितना ज्यादा है, घटा देंगे कितना आया 2, यानी कि कम से कम क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 5 × 7 + 9/3 − 38। देखो पहले भाग करते हैं, तो 5 × 7 + 3 का भाग देंगे 9 में, तो कितनी बार जाएगा 3 बार माइनस 38। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 35 + 3 − 38, 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38, और 38 में से 38 जाएगा तो कितने बचेगा 0 बचेगा, और ये हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।